Hello, this is Akash and this is my channel New Updates. Please subscribe कर दीजिए. इस वीडियो में मैं बताऊंगा न्यूजीलैंड भारत का दौरा खत्म होने के बाद भारत किसके साथ खेलेगा, भारत का अगला मैच कब है और किसके साथ है. 7 दिसंबर को न्यूजीलैंड के साथ लास्ट टेस्ट खत्म होगा, उसके बाद भारत साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगा और साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत 3 टेस्ट खेलेगा. पहला टेस्ट 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट होगा 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक 2022 में. इसी दौरे पर भारत 3 ODI भी खेलेगा. ये 3 ODI 11 जनवरी, 14 जनवरी और 16 जनवरी 2022 को खेला जाएगा. इसके बाद शॉर्टेस्ट फॉर्मेट का खेला T20 भी होगा. लगातार 4 T20 खेलेगा भारत साउथ अफ्रीका के साथ. पहला T20 19 जनवरी भारत में 7:30 बजे शुरू होगा और दूसरा 21 जनवरी को, तीसरा होगा 23 जनवरी और चौथा 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के दिन खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका दौरा ख़त्म होने के बाद भारत खेलेगी वेस्ट इंडीज के साथ 3 ODI खेलेगा भारत और ये 3 ODI 6 फरवरी, 9 फरवरी एंड 12 फरवरी को खेला जाएगा. फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ T20 सीरीज़ भी होगा और ये T20 सीरीज़ 15 फरवरी से शुरू होगा. फिर 15 फरवरी के बाद सेकेंड T20 होगा 18 फरवरी को, फिर उसके बाद 20 फरवरी को T20 सीरीज़ ख़त्म होगा. T20 सीरीज़ ख़त्म होने के बाद इंडिया श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट खेलेगी. पहला 25 फरवरी से खेलेगी और दूसरा 5 मार्च से शुरू होगा. टेस्ट ख़त्म होने के बाद इंडिया श्रीलंका के साथ 3 T20 मैच का सीरीज खेलेगी. टी सीरीज 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चलेगी. सभी T20 मैचेस 7:30 बजे से शुरू होगी. आगे भी अपडेट देता रहूँगा, तब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन को दबा के रखिएगा ताकि तुरंत आपको अपडेट मिले. अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा. क्रिकेट के अलावा फुटबॉल का भी अपडेट मैं अगले वीडियो में दे दूंगा.